हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे अपने इस यूट्यूब चैनल आर रितेश मैथ पे। तो हम अभी सीखने वाले हैं मैथ प्रैक्टिस के पार्ट 6 को। तो जिन लोगों ने अभी तक हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया वो लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अगले सेशन को। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 30 दर्जन अखरोट 1440 रुपए, सॉरी 14400 रुपए में खरीदे गए और 32 पैकेट अखरोट जिसमें कि प्रत्येक पैकेट में 20 अखरोट है तो 57600 में खरीदा गया। यदि अखरोट को मिलाकर एक पैकेट में 5 के हिसाब से 432 रुपए में बेचा गया तो लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा। तो देखियो इसको हम किस तरह से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले दिया क्या है, 30 दर्जन अखरोट। 30 दर्जन अगर हम टोटल निकालें टोटल कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 30 दर्जन और एक दर्जन में 12 होता है तो कितना हो जाएगा, 360 360 हो जाएगा अखरोट। उसके बाद इसको जो खरीदा है वो 14400 में खरीदा उसने, पहली बात। उसके बाद 32 पैकेट है और एक पैकेट में 20 है तो टोटल अखरोट यहाँ से कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 32 × 64 640, 32 पैकेट वाला। अब पूरा टोटल अखरोट कितने हो जाएगा, पहले 360 और 640 तो कितना हो जाएगा, 1000 आ गया। और ये जो 32 पैकेट था इसको खरीदा था कितने में, 57600 में, 57600 में, 57600 में, ठीक है। तो देखिए अब 1000 टोटल अखरोट आ गया और कहता था कि एक पैकेट में जो है 20 अखरोट है तो 1000 टोटल अखरोट आ गया। तो 20 के हिसाब से अगर इसको हम भाग दें, ठीक है, क्योंकि एक पैकेट में 20 है, एक पैकेट में कितना है, 20 है, सॉरी एक पैकेट में 5 के हिसाब से बना रहा है तो इसको हमको यहाँ से कितने से करना होगा, 5 से डिवाइड करना होगा। अगर इसको हम 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 200 पैकेट आ गया। उसके बाद अब 432 के हिसाब से बेच रहा है तो टोटल एसपी कितना आ जाएगा, एसपी तो आप कहेंगे 200 पैकेट है और 432 के पैकेट से बेच रहा है तो जब आप इसे गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 × 4, 3 × 6 और 4 × 8, 86400 रुपए एसपी। और टोटल सीपी कितना आ जाएगा, हमको पहले फाइंड कर लेते हैं टोटल सीपी देखिए 14400 और 57600 जब आप ऐड करेंगे तो 72000 रुपए इनका टोटल सीपी हो जाएगा। और एसपी कितना आ गया, 86400 तो यहाँ से इसको प्रॉफिट कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे इसे हम क्या कर लेंगे, माइनस। तो 14400 इसको क्या हो गया, प्रॉफिट कितने के ऊपर, तो खरीदा था कितने में, 72000 में सभी का, और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से हम क्या कर देंगे, मल्टीपल। तो यहाँ से काट पीट कर लेते हैं, 3 0 2 0 यहाँ और 3 0 यहाँ, 72 दुनी में होता है 144, यानी क्या हो जाएगा, 20% लाभ, ऑप्शन नंबर सी। तो उम्मीद करता हूँ आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। 5 विषयों पर एक परीक्षा आयोजित की गई जहाँ प्रत्येक विषय के लिए अधिकतम अंक 100 थे, तो अधिकतम अंक 100 थे तो टोटल अंक कितना हो जाएगा, टोटल नंबर 5 विषय कितना हो जाएगा, 500। उसके बाद 4 विषय में उसने अंक प्राप्त किया, 4 विषय में अंक कितना कितना प्राप्त कर दिया, एक में 82, फिर प्लस 97, प्लस 88, प्लस 91, और यदि उसके अंकों का 90% थे, अच्छा ये सभी जो है प्लस एक्स, मतलब हम पचवा विषय ले लिए, ये सभी जो है पूरे अंकों का 90% है तो 500 का 90% कितना हो जाएगा, 450। तो इन सभी को ऐड करके इसमें अगर माइनस कर दें तो कितना हो जाएगा, तो ऐड करने के बाद 450 माइनस, मिनिमाइज कर लेते हैं पहले इसको, माइनस इस सभी को आप ऐड कीजिए। देखिए 2 और 7 9, 9 और 8 17, 17 1 18, 18 का 8 बाकी रहा 1,
एक और नौ दस, दस और आठ अठारह, अठारह और नौ सत्ताईस, सत्ताईस और आठ कितना हो जाएगा पैंतीस। यहाँ से आप इसे माइनस कर लेंगे कितना हो जाएगा 92। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। प्रथम 20 पूर्ण संख्याओं का माध्य कितना होगा। देखिए माध्य यानी बोले तो एवरेज, और प्रथम 20 पूर्ण संख्या की जैसे ही बात करता है तो वो जीरो से स्टार्ट होता है, जीरो से स्टार्ट एक दो और तीन, इसी तरह कहाँ तक जा रहा है 20 तक। तो हम कहते हैं अगर जीरो नहीं रहता तो ये नेचुरल नंबर कहलाता एक से 20 तक, ठीक है। तो नेचुरल नंबर ही हम उसका यूज कर लेंगे। तो नेचुरल नंबर का फॉर्मूला होता है 1/2 (n) और n प्लस का 1, ठीक है, ये होता है उसका योग। हमको एवरेज चाहिए, एवरेज चाहिए तो क्या हो जाएगा टोटल संख्या से क्या कर देंगे हम डिवाइड कर देंगे, एवरेज निकल के आ जाएगा। अब पहले देखिए 1/2 और n नंबर कितना हो जाएगा 19, ठीक है, और 19 प्लस 1 20, और मुझे एवरेज चाहिए। यहाँ से लिख दे आप एवरेज, एवरेज चाहिए तो कितना संख्या है 20, तो 20 से 20 कैंसिल और 19 गुने में 1/2 यानी 19 का आधा कितना हो जाएगा 9.5 आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक संख्या को तीन भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि पहले भाग का तीन गुना, हम भाग मान लेते हैं ए बी और सी, ठीक है, पहले भाग का तीन गुना तो क्या हो जाएगा 3a, उसके बाद दूसरे भाग का 6 गुना 6b, तीसरे भाग का 8 गुना 8c, क्या है बराबर है, सभी क्या एक दूसरे के बराबर है, और पहला भाग का दिया हुआ है 600। तो इस प्रकार को पहले हम रेशियो में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो कर लेते हैं, ए अनुपात बी अनुपात सी। तो यहाँ से ए का और बी का सी का रेशियो कैसे निकाल लेंगे, मुझे ए निकालना है, ए वाले पार्ट को आप क्लोज कर दें और बाकी दोनों को मल्टीपल कर दें, तो 6×8 करेंगे कितना हो जाएगा 48 रेशियो। बी का निकालना है, बी वाले पार्ट को क्लोज कर दें, 8×3 = 24 रेशियो। सी निकालना है तो सी वाले पार्ट को क्लोज कर दें, 6×3 कितना हो जाएगा 18। अब यहाँ से पूरा रेशियो हम कैसे निकाल लेंगे, देखिए सभी में 6×6 का कॉमन है, ठीक है, तो ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 3, तो ये कट गया। अब इसी 8 यूनिट का वैल्यू दे रखा है कितना 1600 रुपए, तो कितना टाइम्स गुना है 200, तो पूछता क्या है तीसरा भाग, इसमें आप 200 का मल्टीपल कर दें, आंसर क्या निकल के आएगा 600 ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 80% और 35% बड़ी है, दो संख्याओं का अनुपात क्या हो जाएगा। सबसे पहले हम संख्याएं ले लेते हैं 1, 2 और 3, ठीक है, तीसरी संख्या अगर तीसरी हमारे पास 100 है तो पहली कितना हो जाएगा 180, क्योंकि पहली 80% बड़ी है और दूसरी 35% बड़ी है, कितना हो जाएगा 135, ठीक है। अब क्या पूछता है, दो संख्याओं का अनुपात क्या हो जाएगा, मतलब इसको छोड़ के बाकी ये जो बचा इसका अनुपात क्या होगा। तो यहाँ से हम काट पीट कर लेते हैं, 5 बार में करें तो 36, 5 बार में करें तो यह 27, और फिर देखिए 9 से जाएगा 4 और 9 से जाएगा 3, तो 4:3 आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप इसे अच्छे से समझ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किसी राशि पर 7% प्रतिवर्ष की दर से 5 वर्षों के लिए साधारण ब्याज 700 रुपए है, तो मूलधन कितना हो जाएगा। ये तो सिंपल सा एक फॉर्मूला होता है SI का, ठीक है, हम कल भी बताए थे PRT/100। अब देखिए यहाँ से मूलधन पूछ रखा है तो मूलधन निकालेंगे, रेट दे रखा है 7% और टाइम दे रखा है 5% बटे में 100 और पूछता क्या है मुझे मूलधन चाहिए, तो बराबर बराबर कितना दे रखा है ब्याज 700 रुपए, ठीक है। यहाँ से देखिए आप 7×35, 35×2 = 70 यानी 20, तो यहाँ से क्या आ जाएगा पी का वैल्यू 2000 रुपए आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करें। दो बाइक प्रत्येक की लागत 40,000 रुपए है, उनमें से एक को 48,000 रुपए में बेचा गया और दूसरी बाइक को कितने में बेचा जाए ताकि 25% का समग्र लाभ, समग्र लाभ कहने का दोस्तों टोटल लाभ, फाइनली लाभ कितना होगा, ठीक है। देखिए 25% का लाभ अगर फ्रैक्शन की बात करें तो 1/4 होता है, यानी 4 की वस्तु 5 में बेचा है, हम यहाँ लिखते हैं CP SP,
चार की वस्तु को पांच में बेचा है, ठीक है। तो सीपी अपने पास दे रखा है 40,000 रूपए एक वस्तु की कीमत है, दो वस्तु की कीमत कितना हो जाएगा 80,000। तो कितने टाइम्स गुना है, देखिए 4 × 2 = 8, 2000 टाइम्स गुना है, ठीक है, 2000 नहीं 20,000, 20 × 80 होता है, तो 20,000 इसमें भी आप गुना कर दें कितना हो जाएगा 1,00,000, ठीक है, 1,00,000 हो जाएगा। उसके बाद अब पहली बाइक को उसने 48,000 में बेचा है, तो दूसरी को कितने में बेचेगा, अगर आप 1,00,000 में 48,000 को माइनस कर देते हैं तो दूसरी बाइक कितना निकल के आएगा 52,000, जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगर आप 48,000 को माइनस कर देंगे तो दूसरी कितने में बेचा होगा, वो 52,000 में। तो उम्मीद करता आप इसको अच्छे से समझ पाए होंगे। 2 × 14/7 × 3, देखिए इस बहुत इजी है, सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। और ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले किसका होता है, ऑफ का, फिर डिवाइड का, फिर मल्टीपल का, बोर्ड मास का जो रूल चलता है उसी पे चलेंगे। तो 2 × 14 कितना हो जाएगा 28, 28 और भागा 7 कितना हो जाएगा 4, और गुने 3 यानी यहाँ से जो निकल के आएगा 12 प्लस, आप इसमें आइए डिवाइड करेंगे 4 × 8 कितना हो जाएगा 32 माइनस, आप इसमें चले आइए पहले डिवाइड हो जाएगा 3 और उसके बाद 12 से गुना हो जाएगा कितना हो जाएगा 36, ठीक है। तो 12 माइनस कितना हो जाएगा 4, कितना निकल के आएगा ये 8, तो आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। तो एक बोर्ड मास का एक नहीं हो सकता, ग्रुप डी में दो देखने को मिले, क्योंकि वो छोटी छोटी अच्छा अच्छा मैथ पूछता है उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करें। एक किसी कार्य को अकेले 96 दिन में पूरा कर सकता है, एक किसी कार्य को 96 दिन में 96 डेज लेता है। उसके बाद बी जो है ए से 3 गुना कुशल है, बी यहाँ ले लिया और ए 3 गुना कुशल है, अगर ये एक है तो ये कितना है 3, और ए जो है 96 दिन में पूरा करता है, यानी दिख रहा है आपको साफ साफ की टोटल वर्क इसका मतलब 96 होगा, क्योंकि ए तो एक दिन में एक ही कर रहा है। उसके बाद क्या पूछता है कि उसके बाद बी जुड़ जाता है कब, ए ने जब 24 दिन तक करता है तो ए एक दिन में एक करता है, 24 दिन में कितना किया होगा 24 काम, यहाँ से कितना बच गया 72, अब बी जुड़ता है तो उसका था शेष काम को कितना दिन में होगा ए प्लस बी, तो 3 और 1 कितना होगा 4, अब 72 काम है 4 से करवाना है कितना दिन लेगा 18 दिन, आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। कोई मूलधन साधारण ब्याज दर पर 5 वर्षों में 50% बढ़ जाता है, 50% का बढ़ना अगर फ्रैक्शन की बात करें 1/2, यानी मूलधन हम 2 लगाए हैं 1 का ब्याज मिला तो अमाउंट मेरा कितना निकल कर आया 3, कर लेते हैं पहले हम रेट ज्ञात कर लेंगे, 2 रुपए मूलधन, ठीक है। अब रेट 50%, सॉरी रेट तो मुझे चाहिए ही, रेट और टाइम कितना दे रखा है आप देखिए 5 वर्ष का, और अपॉन में 100 जो पीआरटी का फॉर्मूला आता है, तो ब्याज कितने मिलता है यहाँ पे 1 का, क्योंकि 2 लगाए हैं और 3 तो मिश्रधन मिल रहा है, 1 का ब्याज आप देखिए 2 × 5 = 10, 10 से 1 = 0 कैंसिल, यानी आर का जो वैल्यू निकल के आया 10%, रेट अपने पास कितना निकल के आया 10%। और पूछता क्या है कि 20,000 रुपए पर 3 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, तो आप एक चीज देख सकते हैं, तो हमने एक चीज बताया जब भी 2 वर्ष का पूछे तो स्क्वायर कर दें रेट का, और 3 वर्ष का पूछे तो क्यूब कर दें रेट का। तो देखिए 10% यानी क्या हो जाएगा 11/10, 10 का 10 रुपए लगाया 11 रुपए मिला, क्या हो गया मिश्रधन, तो यहाँ से हम क्या कर लेंगे क्यूब 3 वर्ष का है, तो क्या हो जाएगा यह 1331 हो जाएगा, और यह कितना हो जाएगा 1000, और इसी 1000 का वैल्यू दे रखा है कितना, आप कहेंगे 20,000, ठीक है। तो कितने टाइम्स गुने है 2000 गुने है, अच्छा इसमें ब्याज कितना हो जाएगा 1331 रुपए हुआ और 1000 रुपए हम लगाए तो 331 रुपए इसका ब्याज हुआ, और एक यूनिट की वैल्यू 2000, ठीक है, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा, आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 66/20 आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। यहाँ पे 20,000 था और 10 का क्यूब कितना होता है 10,100 × 100 = 1000, देखिए यहाँ से 3 0 3 0 कैंसिल, 20 का मल्टीपल होता, ठीक है 66/20 ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे, नहीं तो मैं इसे दोबारा समझा देता हूँ। कह रहा था कि ब्याज जो है 50% बढ़ जाता है, हम कहते हैं 50% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/2 होता है, यानी पहले 2 था 1 का इंटरेस्ट मिला तो ब्याज अमाउंट कितना हो गया उसका 3 रुपए, तो यहाँ पे हम रेट फाइंड कर लिए। रेट कैसे फाइंड किए, 2 रुपए मूलधन था और
रेट रखे, उसके बाद 5 समय था, 100 से डिवाइड किया तो यहाँ से रेट 10% आ गया, ठीक है 10% आ गया। अब हम कहते हैं 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालेंगे, जब रेट हमारे पास हो तो फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होता है, यानी 10 रुपये लगाए 11 रुपये मिला होगा, 3 वर्ष है तो इसका आप क्यूब कर दें, ठीक है क्यूब करने के बाद देखिए क्या हो जाएगा, 1331 रुपये उसका अमाउंट हो गया और मूलधन 1000 रुपये, और 1000 का ही वैल्यू दे रखा था 20,000, तो यहाँ से 20 टाइम गुना है, 20 टाइम आप किस में गुना करेंगे, क्या पूछता है चक्रवृद्धि ब्याज, तो इनका चक्रवृद्धि ब्याज क्या हो जाएगा 331, तो 331 में जब 20 का गुना करेंगे कितना हो जाएगा 6,620 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, किसी गोले और किसी लंबवृत्तीय बेलन का आयतन समान है, तो गोले का आयतन होता है 4/3πr³, ठीक है, और किसका आयतन लंबवृत्तीय बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन होता है πr²h। अब देखिए यहाँ से पाई पाई कैंसिल, ठीक है 4/3 और दे क्या रखा है गोले का त्रिज्या, गोले का त्रिज्या 21 दे रखा है, 21 को आप 3 बार लिखना होगा, ठीक है बराबर में, उसके बाद क्या दे रखा है ऊंचाई किसकी, सॉरी त्रिज्या दे रखा है बेलन की, तो बेलन की त्रिज्या कितनी हो जाएगी 14×14 और ऊंचाई पूछ रखी है, यहाँ से देखिए आप 3×7 = 21, 7×2 = 14, ठीक है 7×2 = 14, फिर देखिए 3×7 = 21 होता है और 2×7 = 4 होता है, 2×2 = 4 और ये 4 कंप्लीट, तो एच बराबर क्या निकल गया 21×3 कितना हो गया 63, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, दो संख्याओं के बीच का अंतर 15 है, उनके महत्तम समापवर्तक यानी HCF और LCM 3 और 108 है, उनके व्युत्क्रम के बीच का अंतर क्या होगा। देखिए दोस्तों इस प्रकार को अगर आप फैक्टर से बनाएंगे तो बहुत ही लॉन्ग चला जाएगा, तो हमने एक चीज बताया था कि एक फॉर्मूला आता है HCF × LCM = में क्या होता है पहली संख्या है गुने में दूसरी संख्या, तो देखिए HCF 3 है और LCM 108 है, तो टोटल जो संख्या होगा कितना हो जाएगा 324, टोटल 324 होगा। अब हम कहते हैं 324 को ऐसा फैक्टर तोड़े आप जिसमें कि दोनों का डिफरेंस जो संख्या में आएगा कितने का आएगा 15 का आएगा, तो चलिए हम 324 का फैक्टर तोड़ते हैं, ठीक है बिना एक्स माने आप इसे बना सकते हैं, 324 का 3 से कितना हो जाएगा 108, फिर 3 से 3×3 = 9, 3×6 = 18, ठीक है फिर 3×12, ठीक है। अच्छा एक चीज यही आप देखें, 3×3 = 9 कितना हो गया 27, और 27 में अगर हम 12 माइनस करें कितना हो जाएगा 15, यानी एक संख्या 12 आ गया दूसरा संख्या 27, दोनों का डिफरेंस भी कितना है 15, तो इनका व्युत्क्रम पूछता है 1/12 - 1/27, इनको जब आप सॉल्व करेंगे इनका एलसीएम कितना हो जाएगा 108, तो एक ही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, दो संख्याओं का योग और अंतर 27 और 3 है, दो संख्याओं का अनुपात में क्या हो जाएगा। देखिए योग हम संख्या ले लेते हैं x + y, योग दे रखा है 27 और अंतर x - y कितना दे रखा है 3, तो यहाँ से समीकरण को हम सॉल्व कर लेंगे प्लस माइनस कैंसिल, x और x ऐड करेंगे तो 2x, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 30, ठीक है तो यहाँ से x का वैल्यू क्या निकल के आएगा 15 निकल के आएगा। अब देखिए जब x 15 है और माइनस करने के बाद 3 होता है, इसका मतलब y कितना रहा है 12, 15 में 12 गया 3, अब यहाँ से इसको क्या कर लेंगे रेशियो में कन्वर्ट कर लेंगे 5 × 15 = 4 × 12, 5 × 4 ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, एक बाइक का मालिक लगातार 3 वर्षों तक 64 रुपये, 80 रुपये और 320 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से पेट्रोल खरीदता है, यदि वह पेट्रोल खरीदने में हर वर्ष 32,000 रुपये खर्च कर देता है तो पेट्रोल का प्रति लीटर औसत मूल्य क्या है। देखिए हर साल वह 32,000 रुपये का तान खर्च करते हैं तो टोटल खर्च कितना करता होगा, ठीक है टोटल जो खर्च करता होगा 32,000 रुपये हर साल करता है और 3 साल लगातार है तो 32 × 96 यानी वह 96,000 रुपये टोटल खर्च करता है पूरा पेट्रोल में। अब हम पेट्रोल की मात्रा कैसे ज्ञात कर लेंगे वो देखते हैं, पेट्रोल की मात्रा कैसे निकालेंगे, 32,000 रुपये वह हर साल खर्च करता है और एक साल उसका जो चला था पहली साल 64 रुपये प्रति लीटर
₹64 प्रति लीटर से भाग देंगे तो कितना निकल के आएगा, देखिए ये 5,000 में चला जाएगा, ये 32,000 है, 5,000 में चला जाएगा तो 500 लीटर, यानी पहली साल उसने 500 लीटर खर्च किया। फिर दूसरे साल की बात करें, दूसरे साल भी ₹32,000 तो हर साल वो लगा रहा है, ठीक है, और दूसरे साल रेट था कितना 80 का, तो यहाँ से जब डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 400 लीटर, 400 लीटर दूसरी वर्ष किया। फिर तीसरी वर्ष बात करें तो ₹32,000 हर साल कर रहा है और इसमें था कितना ₹320 पर लीटर, यानी ये कितना हो गया भाग देंगे तो 100 लीटर, तो टोटल कितना हो गया अपने पास 1000 लीटर, 1000 लीटर तीन वर्ष में खर्च किया। और मुझे क्या चाहिए, एवरेज चाहिए, ठीक है, एवरेज चाहिए कि पूरा एवरेज में कितने का वो खर्च करता है, तो 96,000 में जब डिवाइड कर देंगे 1000 का तो एवरेज निकल कर जाएगा, तो यहाँ से यहाँ कैंसिल, यानी ₹96 पर लीटर उसका क्या था औसत मूल्य खर्चा था, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। एक व्यक्ति ने ₹1000 में एक कमीज और 2000 में एक जोड़ी पतलून खरीदी, कमीज और पतलून पर दी गई छूट, यानी कमीज पर 20% और 50% पतलून पर, उसे कितनी छूट दी गई, ठीक है, 1000 का खरीदा 20% का छूट मिला, यानी 80% उसने लिया, यानी इसको कितना में लिया, ठीक है, ₹80 अगर इसमें आप माइनस करें 1000 का 20% का छूट मिला, यानी 80, ये इधर कितना हो गया, ये 1000 है ना, तो ₹800 में, सॉरी यहाँ पे मैंने जीरो नहीं डाला, तो ₹800 में इसको खरीदा प्लस और 2000 का 50% छूट पे, यानी कितने में लिया 1000 में, यानी टोटल वस्तु कितने में खरीदा 1800 में, और उसका रियल कीमत कितना रहा था, सीपी अगर बात करें तो 2000 यहाँ पे और 1000 यहाँ पे कितना हो जाएगा 3000, तो अब कितने का मिल गया छूट उसको, ₹3000 का चीज 1800 में लिया, यानी 1200 का छूट मिल गया, कितने के ऊपर 3000 के ऊपर, और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 का मल्टीपल, तो यहाँ से 30 खत्म, कितना हो जाएगा 40%, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप इसे अच्छे से समझ पाए होंगे। पहले 1000 की चीज पर 20% का छूट, यानी 80% में दिया होगा तो ₹800 उसका हो गया, ठीक है, और ₹2000 को 50%, यानी कितना ₹1000 में दिया, तो ₹1800 में टोटल दिया, ये क्या हो गया एसपी हो गया, और सीपी टोटल कितना था ₹3000, तो माइनस कर दिया ₹1200 क्या हो गया उसको प्रॉफिट, यानी उसके लिए छूट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करें, 0.5, अच्छा ये तो बोर्ड मार्क्स की क्वेश्चन है, तो सबसे पहले हम इसका कहाँ का मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना हो जाएगा 50 × 200, ठीक है, यानी क्या निकल कर आएगा 20, ठीक, और गुने 6/8, ठीक है, यहाँ से देखिए आप 3 × 6 = 4 × 8 और 4 × 5 = 20, यानी ये टोटल सॉल्व किए तो 5 × 3 = 15 आया, ठीक है, भागा। अब इधर आके सॉल्व करते हैं, देखिए पहले भाग की क्रिया आ जाएगा, ठीक है, यानी 12 × 10/16 यही हो जाएगा ना। अब यहाँ से देखिए किस तरह से 4 से काट पीट करें, 4 × 16 और 3 × 12, ठीक है, अब देखिए 2 × 4 और 5 × 10, यानी 5 × 15/2, यहाँ से कितना निकल का आया 15/2 प्लस, प्लस का सिंबल है, आप देखिए इसमें जब गुना करेंगे कितना जाएगा 2 × 5 = 10, यानी 1 माइनस, और देखिए 1 × 10² कितना होता है 100, ठीक है, और दशमलव में था तो यानी पूरा ये क्या हो जाएगा 0, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो प्लस माइनस 1 भी यहाँ से क्या हो गया कैंसिल कैंसिल, तो बचा क्या 15। अब भाग को मल्टीपल बदलने के लिए ये ऊपर चला जाएगा 2/15, यहाँ से 15 और 15 कैंसिल, तो क्या निकल कर आएगा 2 आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करें, ए बी और सी किसी कार्य को 16 दिन में, ए बी सी 16 दिन में, फिर जबकि ए और बी कार्य को 40 दिन में, ए और बी कार्य को 40 दिन में, यहाँ से टोटल वर्क निकाल लेते हैं कितना आ जाएगा 80, तो तीनों मिलकर एक दिन में कितना करेगा 5, और ये दोनों मिलकर एक दिन में 2, जब ये दोनों एक दिन में मिलकर 2 करता है तो इसका मतलब सी कितना करता होगा 3, क्योंकि टोटल कितना है यहाँ 5, अब क्या करता है सी उस कार्य को कितने दिन में करेगा, तो 80 से भागा आप 3 में दे देंगे क्या निकल कर आएगा आंसर। चलिए तो देखिए 30 तो आएगा नहीं, 30 × 90 होता है, 25 × 75, 25 भी आएगा नहीं, 23 × 69, 24 × 72, ये भी नहीं आएगा, अब बचा एक ही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए, मार के निकल सकते हैं वहां से। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, एक नाव 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से
अपस्ट्रीम, ठीक है। अपस्ट्रीम मतलब क्या आता है, उल्टा, एक्स माइनस वाई। अगर हम एक्स मान के चले इसकी नाव की चाल और वाई माने करंट की चाल, ठीक है, तो यहाँ से कितना है 20, और डाउन स्ट्रीम चलता है एक्स प्लस वाई, ठीक है, ये कितना चल रहा है 30 की स्पीड से, तो यहाँ से सॉल्व कर लेंगे तो क्या आ जाएगा 2x की वैल्यू कितना है 50, ऐड करने के बाद यानी x का जो वैल्यू निकल कर आएगा 25, और x क्या है अपने पास, गति है किसकी, नाव की, स्थिर जल में नाव की चाल 25, यही पूछ रखा है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, यदि किसी लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई 10 है और इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 440 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसकी त्रिज्या क्या होगी, तो लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 2πRh, और यही दे रखा है 440, 2π की वैल्यू 22/7, रेडियस दे रखा है कितना, रेडियस तो पूछ रखा है, और हाइट दे रखी है 10 इक्वल टू 440, इन सभी को जब आप मल्टीपल करेंगे 440 ही निकल जाएगा। देखिए 22 × 44 × 10 440, अब 7 ये डिवाइड में उस साइड जाएगा तो आ जाएगा मल्टीपल में, तो रेडियस कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, आपका राइट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करें, किसी घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल 864 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 6 × भुजा का स्क्वायर, और ये दे रखा है 864, तो उसका आयतन क्या होगा, यानी घन का क्यूब आयतन, ए क्यूब बराबर वाट, ठीक है, यहाँ से आप कट पीट करें कितना जाएगा ए स्क्वायर बराबर 144, तो यहाँ से ए का वैल्यू कितना निकल गया 12 कैसे निकला, इधर स्क्वायर में इस साइड आ जाएगा तो रूट में, अब 12 का क्यूब चाहिए तो 12 का क्यूब जिसको याद है वो आंसर मार के निकल लेगा। अब ये देखिए, ये तो 6 का आता है, ये 9 का आता है, और ये 8 का आता है, ये कितने का होता है 12 का, 1728, ऑप्शन नंबर बी। तो उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से समझ पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, चलिए दोस्तों तो आज तक इतना ही क्वेश्चन है हमारे पास, तो उम्मीद करता हूँ आप इस वीडियो को जरूर अपने दोस्तों के बीच शेयर करेंगे, और अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करें। तो आज के लिए इतना ही, और जो लोग इस वीडियो को नए लोग देख रहे हैं आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और इस डिजिटल बोर्ड के अंदर मुझे उतना भी एक्सपीरियंस तो है नहीं, तो कहीं भी किसी प्रकार का कोई त्रुटि आया तो जरूर बताएं, हम अगले वाले वीडियो में जरूर कोशिश करेंगे सुधारने की। धन्यवाद।